अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी हजारों साल पुरानी आवाज़ सुनी है? आजकल ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 साल पुरानी आवाज़ों की रिकॉर्डिंग मौजूद है, और इनसे पहले की कोई आवाज़ मौजूद नहीं। लेकिन साइंस ने 18,000 साल पुरानी आवाज़ को इसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से रिक्रिएट किया है। आइए मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ और बताता हूँ साइंस को ये आवाज़ कहाँ से मिली। मज़ीद वर्ल्ड एंड साइंस की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। लगभग तकरीबन आज से 18,000 साल पहले मैग्डालेनियन कौम ने मार्चुलस केव पर हमला करके कब्जा कर लिया। ये जगह आज फ्रांस में है। ये कौम का कल्चर आज भी यूरोप में पाया जाता है। ये लोग गाड़ों और टेंट्स में रहते हैं। साइंस रिसर्चर्स को यहाँ से एक समुद्री स्नेल का ढांचा मिला है। ये कदीम समुद्री स्नेल रिसर्चर्स को 1931 में लॉर के सामने से मिला था, जो फ्रांस की पैरिन फुटहिल्स पर वाकया है। मार्सुलस पहली गार है जिसको इस इलाके में 1897 में दरियाफ्त किया था, और इस पर 19 सदी के आखिर से अब तक स्टडी की जा रही है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस समुद्री स्नेल को गौर से देखा, इसकी एडवांस इमेजिंग टेक्निक से स्टडी की, तो पता चला कि इंसान ने इसकी मॉडिफिकेशन करके इसको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है। जब मैग्डालेनियन शिकारी लोग इकट्ठे होते थे तो अपने गले में इसको लटकाते थे। मैग्डालेनियन लोग इस समुद्री स्नेल के बाहरी किनारों को ख़त्म करके और तराश कर इस किस्म का डिज़ाइन बनाते कि समुद्री स्नेल बिल्कुल गार की तरह लगता। साइंस हैरान है कि इतनी देर पहले से लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप 18,000 साल पुरानी आवाज़ सुने जो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्रिएट की गई है। ये आवाज़ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ म्यूजिकलॉजिस्ट और विंड इंस्ट्रूमेंट के माहरीन के साथ मिलकर इसको रिक्रिएट किया है, और ये साइंस का काफ़ी बड़ा शिकार है कि उसने 18,000 साल पुरानी आवाज़ को इतने ही पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से दोबारा रिक्रिएट करके एक पास्ट की झलक देखी है कि पुराने ज़माने में लोग अपनी आवाज़ कैसे लोगों तक पहुँचाते थे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।